नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मुझे ऐसी आशा है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुष्ठ रोगियों को मिलने वाली सुविधाएं। तो कुष्ठ जो लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं या प्रभावित हैं, तो उनको लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएँ दी जा रही हैं और कौन कौन सी सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए, और सरकार इनके लिए कौन कौन से बजट अलॉटेड कर रही है, तो उन्हीं के विषय में हम लोग बिल्कुल आज पूरा जानेंगे। ठीक है साथियों, तो इसमें बात चली साथियों, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी वीडियो या फिर जो भी यहाँ से सूचनाएँ आपको दी जाती हैं, वो आपकी डेली लाइफ के रूटीन के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आपके साथ साथ आपके जो भी रिलेटिव या समाज के आसपास होंगे उनको काफ़ी जो हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कुष्ठ रोग के विषय में। हमने पहले भी बताया था कुष्ठ रोग बीमारी कैसे होती है और इसमें कौन कौन सी विकृति या फिर डिफॉर्मिटी आती है, तो हमारे पहले वीडियो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा बीमारी के विषय में। आज हम सिर्फ बात करेंगे कुष्ठ रोग को मिलने वाली सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा कौन कौन सी दी जा रही हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कुष्ठ पेंशन के बारे में। तो कुष्ठ पेंशन किसके लिए मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो साथियों, कुष्ठ पेंशन इसमें एक प्रावधान है, इसको हम वर्तमान में आपको इसमें 3,000 रुपये महीने आपको धनराशि दी जाती है समाज कल्याण के विभाग की तरफ से। ठीक है, तो कुष्ठ पेंशन इसको मिलती कैसे है और कैसे इसको मिलेगी? तो सबसे पहले, अगर आपको कुष्ठ कोई विकृति आ गई, कुष्ठ रोग से विकृति मीन्स अगर कोई हाथ पैर में कमी आ गई, अपंगता आ गई या फिर कमजोरी है, तो उसमें आप सीएमओ साहब के वहाँ से एक डिफॉर्मिटी प्रमाण पत्र बनता है, जिसको सर्टिफिकेट के नाम से इसको जानते हैं, जिसको विकलांग प्रमाण पत्र के नाम से इसको जानते हैं, वो वहाँ से मेजरमेंट करवाइएगा, और मेजरमेंट करवाने के बाद उसको ऑनलाइन अप्लाई करवाइएगा, और अप्लाई जो भी इसमें संबंधित डॉक्यूमेंट्स उसको लगाइएगा, और विकास भवन से आपको 3,000 रुपये मासिक जो किस्त मिलती है उसको आपका मिलने शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कौन पेंशन मिलती है, जिसे कुष्ठ पेंशन के नाम से जानते हैं, इसमें 3,000 रुपये प्रतिमाह है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी क्या मिलती है, एक आवास धनराशि भी मिलती है। तो आवास किसको मिलेगा? तो आवास के लिए कुछ शर्तें सरकार के द्वारा दी गई, जैसे निर्धन परिवार से होना चाहिए, इस पर ज़मीन कम होनी चाहिए और इसका मकान कच्चा होनी चाहिए। तो ऐसे अगर व्यक्ति हैं जिनके ये मैंने बताया थी ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो अपने कहीं ना कहीं खंड स्तर से आप मालूम करिए, और क्योंकि जो भी जिनके भी कुष्ठ रोग से प्रभावित तो उनके कार्ड बनाया जाता है, तो कार्ड आपके पास होगा और कार्ड से आप उनको कहिएगा कुष्ठ रोग से ऐसे ऐसे हम व्यक्ति हैं जिनका हमारा ऐसे इलाज चले था, क्योंकि कुष्ठ रोग की जो कैटेगरी है PB थी, एक MB थी, तो उसमें आप बताइएगा, तो उनके द्वारा जो जो मिलने वाली सुविधाएं होंगी, जैसे आवास है तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, खंड स्तर से भी आप बात मालूम कर सकते हैं, और जहाँ पे आपका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ में लेप्रोसी के बारे में कौन कौन जानकारी देता, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कुष्ठ केंद्र डिस्ट्रिक्ट पे जो बनाया था, जिला कुष्ठ अधिकारी बैठते हैं, आप उनसे भी संपर्क इसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो वहाँ से आवास के बारे में, तो आवास के जो मेडिकल से संबंधित प्रपत्र आपको मेडिकल से मिलेंगे सीएमओ के द्वारा, जैसे निर्गत हो सकते हैं ब्लॉक लेवल के, यहाँ से जैसे आपको CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, PHC है, तो वहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन सुविधाएँ आपको समाज कल्याण के विभाग की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में है कंस्ट्रक्शन सर्जरी। कंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए 8,000 रुपये आपको दिया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन सर्जरी क्या होती है? तो कंस्ट्रक्शन सर्जरी का मीन्स होता है, मान के चलिए किसी का हाथ है और हाथ में क्या कुष्ठ रोग होने की वजह से उसको क्या है, ये क्लॉटॉन्स हो गया। क्लॉटॉन्स मीन्स हमारी क्या है, लिटिल फिंगर या और रिंग फिंगर, मीन्स ये दोनों उंगली जो हमारी आपको फोटो में देख रहे हैं ये मुड़ गई हैं, और जिसकी वजह से हमारा हाथ काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब 5 फिंगर होती हैं, इसमें हमारे 3 ही फिंगर हमारी एक्टिव हैं, या फिर किसी किसी क्लॉटॉन्स हो गया, क्लॉटॉन्स मीन्स पूरा का पूरे जो फिंगर्स हैं वो मुड़ गई हैं। इसको ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा कंस्ट्रक्शन सर्जरी एक में बजट अलोकेट करती है, जिसमें 8,000 रुपये मिलता है। और इसमें क्या होता है, आप इसके लिए कहाँ संपर्क करेंगे, इसके लिए आप क्या है जिला कुष्ठ केंद्र, जो भी आपको संबंधित डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे कार्यालय कुष्ठ केंद्र बना है, तो वहाँ पे संपर्क करिएगा, उनसे कहिएगा हम इसको कंस्ट्रक्शन सर्जरी कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से मेरा हाथ फोल्ड हो गया वो सही हो जाएगा, और आपको जो सर्जरी बिल्कुल निःशुल्क होगी, इसमें आपको रहना खाना सब कुछ वहीं अस्पताल में ही मिलेगा, और इसके साथ आपको 8,000 रुपये भी दिए जाएंगे एक बार।
ठीक है साथियों। तो हमने बात तीन हमने सुविधाएं आपको बताई थी, कुष्ठ पेंशन के बारे में बताई थी, आवास के बारे में बताई थी, और हमारे कंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद में और भी छोटी छोटी सुविधाएं जैसे मिलती रहती हैं, जैसे कोई जिसको ज़्यादा डिफॉर्मिटी है तो कोई इक्विपमेंट मिल जाते हैं, इक्विपमेंट और सोलर लाइट वगैरह इनको दी जा सकती है समाज कल्याण की तरफ से, ठीक है। और इसके बाद में हमारे जैसे मान के लिए कोई अंग खराब हो गया है तो हमारा क्या प्लास्टिक के जो ऑर्गन्स अंग बनते हैं आर्टिफिशियल, जिसको ऑर्गन के नाम से इसको जानते हैं, तो वो भी जैसे मान के लिए किसी का पैर कट गया है और इसकी वजह से तो पैर के लिए तो दूसरा जो आर्टिफिशियल अंग पैर मिलता है, तो वो भी आपको समाज कल्याण से निःशुल्क दिया जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद में हम क्या हो स्लीपर चप्पल, अब मान के चलिए जो ऐसे पेशेंट जो ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी या फिर ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी के हैं, मीन्स कहने का मतलब पैरों से अगर इनको सुन है, पैर इनको दिखाई नहीं देते, जैसे ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी के नाम से इसको जानते हैं, तो ऐसे तो 6 माह में एक बार इनको स्लीपर चप्पल मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगे? ये हमारे स्वास्थ्य केंद्र से मिलती हैं, वहाँ आप जाइए, कहना कुष्ठ रोग से ऐसे ऐसे पीड़ित थे, मेरा ऐसे इलाज चला था, लेकिन हमको क्या स्लीपर या चप्पल की आवश्यकता है, तो आपको दी जाएंगी बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है साथियों। इसके बाद में हमारा क्या है ड्रेसिंग किट हमको मिलती है, जिसको सेल्फ केयर किट के नाम से हम जानते हैं। तो सेल्फ केयर किट क्या होती है? तो जैसे ऐसे पर्सन जिसके घाव हो गए हैं, बूंस हैं, और उनको मलम या पट्टी या फिर उसको ड्रेसिंग करने की नीड्स होती है, तो इसमें ड्रेसिंग किट होती है, इसे सेल्फ केयर किट के नाम से आते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा? आपको एक सॉप मिलता है, एक इसमें फिनॉल या फिर डिटॉल सीसी आपको मिलेगी, ड्रेसिंग एक सीजर आपको मिलेगा इसमें, और गौस मिलेगी, गौस में से आपको कॉटन मिलेगी, मीन्स पूरी एक किट मिलेगी, सील बंद इसमें किट होगी। इसमें आपको 8-10 आइटम आपको मिलेंगे, वैसलीन इसमें मिलती है, जो भी चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा या फिर जो भी जहाँ से किट में क्या क्या मिलता है ये आपको पता है, लेकिन निःशुल्क मिलेगा। उसमें 8-10 चीज़ें आसपास मिलेंगी, मीन्स मतलब एक ट्यूब मिलेगा आपको, जैसे बीटाडीन ट्यूब, लोशन भी हो सकता है, ट्यूब भी हो सकता है, बैंडेड भी आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। सॉप एक साबुन भी आपको दिया सकता है, वैसलीन भी आपको दी जा सकती है, और छोटी सी हैंड वॉश के लिए कोई सीसी डिटॉल या सेवलॉन वगैरह आपको मिलेगा इसमें, ठीक है साथियों। इसके बाद में एक थेरेपी भी आपको निःशुल्क दी जाती है। थेरेपी क्या होती है? मान के चलिए आपने हाथ हमारे कैसे हो गए हैं, शुरुआत अवस्था है, और हमारे हाथ या पैर को भी क्या अंग कुष्ठ रोग की वजह से क्या है वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, और उसमें क्या है उसमें मुड़ने लगे हैं हाथ पैर। मुड़ने का मतलब है जैसे मान के लिए मेरे हाथ है, इसमें क्या है ये हमारी उंगली से क्लॉटॉन्स के नाम से जानते हैं, अल्लन क्लॉटॉन्स के नाम से जानते हैं, इसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, इसको वेंड की ज़रूरत पड़ती है, इसमें स्पिल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट की गई है, ये काम ही इनका कुष्ठ रोग से जो भी प्रभावित थी उनकी थेरेपी करना, उनको मसाज करना, बताना और कैसे कैसे अफेक्टिव, मतलब एक एक्टिव मसाज होती है, एक पैसिव मसाज होती है, तो थेरेपी के द्वारा आपको बताई जा सकती है, तो ये आपको निःशुल्क मिलेगी। तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे? इसके लिए थेरेपी लेने के लिए आपको संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर आप विजिट करें, वहाँ लेप्रोसी कौन देख रहा है उससे संबंधित पैरामेडिकल हो या फिर मेडिकल ऑफिसर हो, और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पास में है तो डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ पर कुष्ठ केंद्र बना है, अर्बन कुष्ठ केंद्र हो सकता है, या फिर कार्यालय कुष्ठ अधिकारी जहाँ पे बैठते हों वहाँ पे आप जा सकिए, उनसे कहिए मेरे ऐसे ऐसे की दिक्कत थी और मेरे हाथ पैर विकृति आ रही है, ख़राब हो रहा है, मुड़ रहे हैं, मुझे इनकी क्या है थेरेपी की ज़रूरत है, या फिर स्पिल्ट वहाँ पर मिलेंगे आपको, बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे, थेरेपिस्ट मिलेंगे, तो वहाँ जाकर निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं और अपने योजना के जो भी लाभ है आप ले सकते हैं। तो साथियों हमने थोड़ी सी आपको प्रयास किया था, आपको जानकारी देने की प्रयास किया गया था, क्योंकि इस जानकारी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन आदमी को अवेयरनेस या जानकारी ना होने की वजह से इस सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता है। तो मुझे उसे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मुझे थम्ब अप करके इशारा बताइएगा कि हाँ आपके द्वारा जानकारी दी गई सही लगी या फिर गलत लगी, मुझे अवश्य बताइएगा। और साथ ही कोई भी कैसी भी अगर आपको नीड्स है मेरे रिगार्डिंग, कोई जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे अवश्य बताइए, मेरे द्वारा आपको पूरी सहायता की जाएगी। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।